छात्र की मौत के बाद गरमाई पश्चिम बंगाल की सियासत, छात्र संगठनों का आज पश्चिम बंगाल में बंद का ऐलान। आज काला दिवस मनाएंगे पश्चिम बंगाल के छात्र, काली पट्टी बांधकर जताएंगे विरोध। राज्य के कॉलेज में नहीं चलेगी कोई क्लास, उन्हीं कॉलेजेस को चलने दिया जाएगा जहां पर चल रहे हैं एग्जाम्स। गरिया और टॉलीगंज में भी बंद का आह्वान, इसी इलाके के छात्र सुदीप तो गुप्ता की हो गई थी मौत। छात्र संघ के चुनाव को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का चल रहा था प्रदर्शन, छात्रों का आरोप पुलिस लाठीचार्ज की वजह से हुई थी सुदीप तो की मौत। गुजरात के राजकोट में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुद को लगाई आग, 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। 5ों ने राजकोट नगर निगम के सामने खुद को किया आग के हवाले, घर गिराए जाने के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। राजकोट के छोटू नगर इलाके की सोसाइटी के करीब खाली प्लॉट पर रह रहा था पीड़ित परिवार, नगर निगम के लोग घर गिराने पहुंचे तो पूरा परिवार प्रदर्शन करने पहुंच गया नगर निगम। आग लगने से सकते में प्रशासन, घायलों को अस्पताल में ले जाकर चल रहा है इलाज। कांग्रेस ने प्रशासन और सरकार को लिया आड़े हाथे, घटना के विरोध में आज राजकोट बंद। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष वसुंधरा राजे आज से करेंगी चुनाव अभियान की शुरुआत, चार भुजा में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाकर वसुंधरा को करेंगे रवाना। राजस्थान की 200 विधानसभा का दौरा करेंगी वसुंधरा, कुल 13,000 किलोमीटर की करेंगी यात्रा। राजस्थान में महारानी को नहीं मंजूर मोदी, वसुंधरा ने यात्रा में गुजरात के सीएम से किया किनारा। वसुंधरा को अल्पसंख्यक वोट खिसकने का डर, उनके इनकार के बाद मोदी के आने का कार्यक्रम किया गया स्थगित। पहली बार मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वसुंधरा ने की थी इसी तरह की परिवर्तन यात्रा, बीजेपी कार्यकर्ताओं में फूकी थी जान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पहली बार देश के उद्योगपतियों को करेंगे संबोधित, सीआईआई के विशेष सत्र में होंगे राहुल गांधी। उद्योगपतियों को राहुल करीब 1.5 घंटे करेंगे संबोधित, लोगों में उत्सुकता, क्या बोलेंगे राहुल। दिल्ली के 5-स्टार होटल अशोका में चल रहा है सीआईआई का कार्यक्रम, आर्थिक सुधार और रोजगार पर बोलेंगे राहुल गांधी। सीआईआई के कार्यक्रम में बीजेपी नेता अरुण जेटली भी बोलेंगे, महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री को बना सकते हैं निशाना। बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीआईआई सम्मेलन का किया था उद्घाटन, महंगाई पर जताई थी चिंता। मुलायम सिंह ने फिर किया कांग्रेस पर वार, कहा इस पार्टी से लड़ना आसान नहीं, जेल में डलवा देगी, पीछे सीबीआई लगा देगी। बीजेपी पर मुलायम ने दिखाई नरमी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान का किया खास जिक्र। अडवाणी ने राम मनोहर लोहिया की प्रशंसा करने पर दी सफाई, कहा योग्य लोगों की बढ़ाई में नहीं कोई बुराई। बीजेपी ने मुलायम के सुर से मिलाया सुर, कहा कांग्रेस करती है सीबीआई का गलत इस्तेमाल। बीजेपी उपाध्यक्ष पद से हटाए गए शांता कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा राजनीति में पैसा और भ्रष्टाचार हावी, कहा मेरी पार्टी भी दूध की धुली नहीं। दो पावर सेंटर की बात पर दिग्विजय सिंह कायम, बोले हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार, लेकिन जो पार्टी कहेगी उसे मानूंगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा सामने आई कांग्रेस के अंदर की दरार। प्रधानमंत्री ने यशवंत सिन्हा को भेजा जवाबी खत, जेपीसी के सामने पेश होने की मांग की खारिज। पीएम ने कहा गठबंधन चलाना है मुश्किल, लेकिन विकास में बाधा नहीं। सीपीएम ने कहा अपनी जिम्मेदारी को टाल रहे हैं पीएम। कांग्रेस मुख्यालय में बेनी वर्मा तलब, मुलायम पर निजी हमले ना करने की नसीहत, लेकिन बना रहेगा मंत्री पद। बेनी वर्मा से मिले अमर सिंह, मुलायम पर बोले
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। केजरीवाल के उपवास का आज 13वां दिन, सुंदर नगरी में कर रहे हैं उपवास। केजरीवाल अब शुरू करेंगे बिजली के कटे कनेक्शंस जोड़ने की मुहिम। शीला के घर पर आप पार्टी का प्रोटेस्ट, लेकिन सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं। 84 दंगे के मामले में कोर्ट का फैसला सुरक्षित, 16 अप्रैल से आएगा फैसला। सज्जन कुमार भी हैं आरोपी। ऑल इंडिया रेडियो के चैनल FM गोल्ड में महिलाओं के साथ होता है यौन शोषण, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। याचिका के मुताबिक अधिकारी महिला प्रेजेंटर का करते हैं यौन शोषण, कोर्ट ने प्रसार भारती के CEO और सूचना व प्रसारण मंत्रालय से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। मुरादाबाद में यूपी के पावर मिनिस्टर के भतीजे ने सरेआम दिखाई पावर, जनसभा में लहराई तलवार। दक्षिण कश्मीर में लश्कर ने पंचायत प्रतिनिधियों को दी धमकी, पुलवामा जिले में चिपकाए पोस्टर। पुलिस ने गांव गांव से हटाए लश्कर के पोस्टर, पंचायत के सरपंचों में खौफ। बॉक्सर राम सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, विजेंदर के इस दोस्त पर ड्रग्स लेने का आरोप। डोप टेस्ट के लिए विजेंदर ने दिया सैंपल, खेल मंत्रालय के निर्देश पर कार्रवाई। लाल बत्ती पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कहा सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग करें इस्तेमाल। एम्बुलेंस ने कोर्ट ने एम्बुलेंस, पुलिस और फायर सर्विस के इस्तेमाल पर कहा हां, लाल बत्ती और सायरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार को दी सलाह। राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन करने वाले स्कूल्स के लिए तय समय सीमा खत्म, सरकार की लापरवाही पर भी उठे सवाल। जम्मू में सेना के जवान की आंखें निकालने का सनसनीखेज मामला, नाले में मिला घायल फौजी। जम्मू के किश्तवाड़ा में तैनात है जवान, गुनहगारों की तलाश जारी। नक्सलियों के हाथ लगा नाइट विजन डिवाइस, अंधेरे में बढ़ जाएगी लड़ने की ताकत, NIA ने दिल्ली में दर्ज कराया FIR। रांची में पुलिस ने दिखाई गांधीगिरी, हेलमेट नहीं पहनने वालों का चालान काटने के बजाय बांटे फूल, कहा यह तरीका ज्यादा कारगर। रेप केस में पुलिस की ढिलाई से नाराज हुआ राजस्थान हाईकोर्ट, कहा मत बनाओ रेपिस्तान, इसलिए महिलाएं बनती हैं बैंडिट क्वीन। अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज मर्डर केस का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर, पुलिस को झज्जर में नहीं मिला महंत प्रतिमानंद। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने का दावा किया, तमंचा और देसी पिस्तौल बरामद। DSP जियाउल हक की हत्या में राजा भैया के शामिल होने के सबूत नहीं मिले CBI को, लेकिन CBI ने अभी नहीं दी क्लीन चिट। कुंडा कांड में हटाए गए एक ASP और 2 थानाध्यक्ष, CBI ने यूपी के गृह मंत्रालय को लिखी थी चिट्ठी। CBI ने रिपोर्ट तैयार करना शुरू किया, जल्द CBI पूरे मामले से उठाएगी पर्दा। यूपी के कन्नौज में नकल कराने के नाम पर टीचर्स ने की अवैध वसूली, छात्रों के विरोध पर टीचर्स ने एक छात्र को बुरी तरह पीटा। गुस्साए छात्रों ने स्कूल पर किया पथराव, SDM ने दिया टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा। मेरठ में सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने 2 युवकों पर लगाया वसूली का आरोप, स्टैम्प पेपर पर 50 लाख रुपए लेने की बात जबरन लिखवाई। बदमाशों ने 2 लड़कियों के साथ जबरन अश्लील फिल्म भी बनाई, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मेरठ में सामने आई डॉक्टर्स की बेरहमी, HIV पीड़ित महिला की डिलीवरी कराने से किया इनकार, मजबूरन एम्बुलेंस में पैदा हुआ बच्चा। छात्रा से बलात्कार के आरोप में दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गिरफ्तार, शादी के बाद रिश्ते से मुकरा था प्रोफेसर। जालंधर में CBI की टीम की छापेमारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार अश्विनी एंड एसोसिएट्स के दफ्तर में तलाशी। CBI ने इस कोठी में से कई बैग, अटैची, लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य दस्तावेज किए जब्त, एक शख्स को लिया हिरासत में।
बिहार के छपरा में पंजाब नेशनल बैंक की कैश वैन से लूट, 1,25,00,000 रुपए लेकर फरार। 15 बदमाशों ने कैश वैन को रुकवा कर तोड़ा शीशा, फायरिंग के दौरान एक गार्ड के पैर में लगी गोली। जालंधर में एएसआई की मौत की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किए गए आरोपी, 3 दिन पहले हुई थी एएसआई गुरुदेव सिंह की हत्या। नवी मुंबई में मां नहीं अपनी दो जुड़वा बच्चों की कातिल बन गई, पानी में डुबाकर मारने का आरोप। पलवेल की शोभा ने 1 महीने के दोनों बच्चों को पानी में डुबोया, पुलिस ने मां को हिरासत में लिया। मुंबई में काम दिलाने के नाम पर कई बच्चों से अवैध वसूली, आईपीएल के नाम पर हुई ठगी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। महाराष्ट्र विधानसभा में पिटे एपीआई सचिन सूर्यवंशी की मेडिकल रिपोर्ट, आयोग के सामने किसी भी बाहरी चोट का निशान नहीं। मुंबई की एक रिहायशी इमारत में आग, 7 दमकल गाड़ियों की मदद से काबू। राज पैराडाइज नाम की बिल्डिंग में आग से अफरा तफरी, सुरक्षित निकाले गए लोग। मुंबई के दादर इलाके में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से 70,00,000 रुपए की लूट, कार में सवार थे बदमाश। चाकू और बंदूकों से लैस थे 4 बदमाश, पुलिस कर रही है सीसीटीवी फुटेज की तलाश। दिल्ली के पालम इलाके में लड़की ने खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत। दादा की लाइसेंसी बंदूक से लड़की ने मारी थी खुद को गोली, पुलिस पता लगा रही है आत्महत्या की वजह। गाजियाबाद के विजयनगर में मातम में बदला शादी का जश्न, घुड़चढ़ी के दौरान चली गोली, बच्चे को लगी। गोली लगने से बच्चे की हालत नाजुक, आरोपी रिजवान फरार। दिल्ली के वेलकम इलाके में मोबाइल टावर में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने बुझाई आग, कोई हताहत नहीं। दिल्ली में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हुआ तांत्रिक, भूत भगाने के लिए पहुंची महिला को बनाया शिकार। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक ने पति और सास को किया बेहोश, कमरे में बंद कर पत्नी से किया रेप। दिल्ली के कृष्णा नगर में 9वीं क्लास की एक छात्र 5 दिन से है लापता, फेल होने के डर से सुसाइड नोट लिखकर निकला था घर से। रिजल्ट आने पर पास हुआ था शुभम, घर वाले हैं परेशान, पुलिस ने दर्ज किया गुमशुदगी का केस। दिल्ली के रामपुरा फाटक पर महिला की ट्रेन से कटकर मौत, ईयरफोन लगे होने की वजह से हादसा। आईपीएल के पहले मुकाबले में कोलकाता की धमाकेदार जीत, दिल्ली रेड डेविल्स को 6 विकेट से हराया। दिल्ली रेड डेविल्स ने जीत के लिए रखा था 129 रनों का लक्ष्य, 8 गेंद रहते शाहरुख की टीम ने जीता मैच। कोलकाता की ओर से कप्तान गौतम गंभीर ने बनाए सबसे ज्यादा 42 रन, कैलिस और मनोज तिवारी ने 23-23 रन बनाए। दिल्ली की ओर से जयवर्धने को छोड़ बाकी सभी बल्लेबाज फेल, जयवर्धने ने बनाए सबसे ज्यादा 66 रन। कोलकाता के फिरकी गेंदबाज सुनील नरेन का फिर दिखा जादू, सिर्फ 13 रन खर्च कर 4 विकेट लिए। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला, बेंगलोर में 8 बजे खेला जाएगा मैच। मैच से पहले मुंबई इंडियंस को झटका, तेज गेंदबाज लसित मलिंगा चोट की वजह से नहीं खेल पाएंगे मैच। रिकी पॉन्टिंग कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की कप्तानी, रॉयल चैलेंजर्स की कमान संभाले हैं विराट कोहली। सुनील गावस्कर और विवियन रिचर्ड्स को रोल मॉडल मानते हैं सचिन तेंदुलकर, खुद को दोनों का मिश्रण मानते हैं सचिन। क्रिकेट प्रेमियों की तरह सचिन को भी था अपने 100वें शतक का इंतजार, सचिन ने कहा जब भी 100वें शतक के करीब पहुंचकर आउट हुआ निराशा हुई। भारत में मछुआरों को मारने के आरोपी नौसैनिकों के साथ आए रोम के लोग, मेयर की अगुवाई में लाइट बंद कर जलाया विरोध। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच की कड़वाहट और बढ़ी, अमेरिकन रक्षा मंत्री
चक हेगल ने कहा उत्तर कोरिया से खतरा। रूस के चेचन्या में 40 मंजिला इमारत में लगी आग, बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा खाक, दर्जनों लोगों को निकाला गया। अर्जेंटीना में बारिश के बाद देश का बड़ा हिस्सा भयंकर बाढ़ की चपेट में, अब तक 52 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर। मेक्सिको में बियर से भरा ट्रक ट्रेन से टकराया, कैन लूटने के लिए लोगों में मची होड़।